Today we'll be talking about the topic called periodic table, periodic classification and periodic table. अच्छा, सो इससे पहले कि हम जो है मेन पीरियोडिक टेबल की बात करें, हम सबसे पहले इस टॉपिक में समझना चाहेंगे कि हाउ द पीरियोडिक टेबल डेवलप्ड है ना. आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है सभी लोगों ने लोअर क्लासेस में, ठीक है. तो मेनली जो स्टडी है वो यहाँ पर उस टेबल की है और जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो टेबल डिफाइन करता है या जिन प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत पड़ती है, ये टॉपिक उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, ठीक है. लेकिन इससे पहले कि हम उन प्रॉपर्टीज पर जाएं, सबसे पहले जरूरी ये चीज है कि हम लोग ये समझें कि आखिर ये पीरियोडिक टेबल जो है किस तरह से डेवलप हुआ, ठीक है. तो पहले बात कर रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो देखिए ये जो नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ना, कि एलिमेंट्स पहले तो क्या था कि डिस्कवर्ड ही बहुत कम थे, तो इसलिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी. लेकिन जैसे एलिमेंट्स जो है जो डिस्कवर्ड वाले थे वो ज्यादा हो गए, तो उनको जो है अरेंज करने की नौबत आ गई. क्योंकि आप 5-7 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन जब 100 अबव एलिमेंट्स होने लग जाएं, तो उस केस में जो है नहीं हो सकता कि आप जो है हर एक एलिमेंट को क्रैम करें. तो इसलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी, ठीक है. सबसे पहले जो अटेम्प्ट दिया था दैट इज बाय लेवोजियर. लेवोजियर ने क्या किया, लेवोजियर ने जो है इसने जितने भी एलिमेंट्स थे, इसने उन एलिमेंट्स को जो है दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो बड़ी ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, कि इसने कहा कि भैया दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो या तो मेटल्स होते हैं या तो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है. अभी मैं आपकी चैट्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि टॉपिक बिल्कुल आसान चल रहा है, नया टॉपिक है, ठीक है. आप कुछ पुरानी बातें कर रहे होंगे, मेरे सामने आ रही है, बट आई एम नॉट, अभी नहीं मैं कंसिडर कर रहा, अभी आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है. अच्छा, तो सुनिए, एलिमेंट्स दो तरह के, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब उसने सिर्फ इतना ही क्लासिफाई किया, मैंने कहा ओल्ड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन. तो अब इसका जो ये क्लासिफिकेशन थी ये तब गड़बड़ हो गई, ठीक है, जब मेटलॉइड्स जो है डिस्कवर्ड हो गए. तो क्लासिफिकेशन
वॉज रिजेक्टेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स. मतलब मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हो गए जिनकी प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मैच करती. ठीक है, तो ये थी लेवोजियर की क्लासिफिकेशन. जो ओल्ड क्लासिफिकेशंस है ना, वो बड़ी सिंपल सिंपल क्लासिफिकेशंस हैं. तो अभी जो है हम उन पे जो है ज्यादा आप देखते जाइए, मैं अपने आप जो है हर एक पे स्ट्रेस पे करता जाऊंगा. इज इट ओके? अच्छा, अब आप सुनिए, इसके बाद जो बारी आई दैट वॉज डुबर्नर स्ट्राइड्स. अब डुबर्नर ने क्या किया कि इसने जो है जो एलिमेंट्स थे उनको थ्री के पेयर में, थ्री के ग्रुप में जो है अरेंज किया. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री इन सच ए वे दैट द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 एट कॉर्नर्स. ठीक है, तो जो एलिमेंट्स थे जो कॉर्नर वाले के एटॉमिक वेट का जो मीन था वो मीड वाले का आ रहा था अप्रोक्सीमेटली. कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें. जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे पहला ट्रायड आप देखिए, इट इज लिथियम देन सोडियम एंड पोटेशियम. आप सुनते जाए, ये ट्राइड है और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 7 और इसका 39 है. तो आप जान सकते हैं कि 39 + 7/2 इज 23. तो सोडियम का जो एटॉमिक एटॉमिक वेट, ठीक है, ये मैंने यहां पे एटॉमिक वेट है ना, एटॉमिक वेट, मैंने एटॉमिक नंबर बोल दिया बीच में. तो एटॉमिक वेट जो है वो मीन ऑफ द अदर टू है. ठीक है, आप देख सकते हैं 39 प्लस ये, तो ये कितना हो गया, 46 का मीन 23. तो जो बीच में एलिमेंट है सोडियम वो 23 ही आया. आप सुनते जाए इस तरह से. अब हम सेकंड एलिमेंट की ट्राइड की बात करते हैं. ठीक है, आप देखें तो कुछ केसेस में बड़ा बढ़िया मतलब मैच किया, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम. ठीक है, इसमें जो है इट इज 40 और इसका जो है इट इज 137. तो ऐसे 40 + 137/2 अगर हम करेंगे सो हमारे पास आ रहा है 88.5. और ये ऑब्जर्व किया गया कि स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास जो है 88 होता है. तो अप्रोक्सीमेटली तो आ गया ना सेम जो है. ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल विकास सही कह रहा है. ठीक है,
अब सुनिए, इट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब यहां देखिए क्लोरीन का कितना है जी 35.5, आयोडीन कितना है 127। सो 35.5 प्लस 127 अपॉन 2 कितना आ जाता है 81.25। और यहां पर ब्रोमीन जो है दैट वाज कमिंग 80। तो अप्रोक्सीमेटली ये भी जो है सिमिलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा सुन लीजिए, तो हम अभी बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। ऐसे एक फोर्थ ट्रायड भी था, ठीक है, जो कि जैसे द फोर्थ वन दैट इज सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरिया। अब सल्फर आप देखें इट इज 32, टेल्यूरियम इट इज 127.6। सो 32 प्लस 127.6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 79.8, ठीक है। सो यहां पर ये देखा गया कि सेलेनियम इज कमिंग 79। सो इसलिए जो है जैसा मैंने कहा कि कुछ केसेस में जो है ये चीज बड़े अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बड़े आराम से आई होप आपको मेरी बात जो है समझ में आ रही होगी। इज इट ओके? अब सुनिए, तो यहां पर ये हो गई दो अरेंजमेंट्स। इसकी भी लिमिटेशन पता क्या है? बड़ी लिमिटेड सी एप्लीकेशन है इसकी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पे तो ठीक है, मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली, हमने यहां पे वर्ड भी लिखा अप्रोक्सीमेटली, इज इट ओके। तो हमने ये कहा कि इसकी लिमिटेशन जो है कि ये तो 12 एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल हुआ ना, ठीक है। तो इसलिए जो है 12 एलिमेंट्स के लिए जो है जब ये एप्लीकेबल हुआ, ठीक है, तो यहां पर इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं बन पाई, क्योंकि ट्रायड्स वाला फंडा जो है, ठीक है, जो मैं अप्रोक्सीमेशन आपको कह रहा हूं, आप वैसे मत कीजिए जैसे मैथमेटिकली अप्रोक्सीमेशन करते हैं, मतलब नजदीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल है वो नजदीक है, इज इट ओके। ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेशन करके 80 आएगा, इज इट ओके, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं मैं। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली बात देखिए आप, दैट इज द थर्ड वन इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये ऑक्टेव्स क्या होती है? ऑक्टेव्स जो है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अब तुम 11th में आ गए ना, ठीक है, तो अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो अब सुने, तो यहां पर जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो ऑक्टेव्स होते हैं क्या होता है, इट इज सा, बोलो बोलो, रे, अब आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिंदी, ठीक है ना, तो इसलिए जो है ये सुन लीजिए। तो अब यहां पर ये कहा गया कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अच्छा मनमीत इंग्लिश वाली हो गई, ठीक है, अब सुने, तो हाँ अब इसने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है अगर हम ऑक्टेव की फॉर्म में जो है अरेंज करते हैं, तो जो एवरी 8th एलिमेंट है उसके करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वाले से मैच करने हैं। जैसे ये आप जानते हैं, आप नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं अभी, जो है लिथियम, ठीक है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन एंड देन सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो अब जो है यहां तक तो ये बात वैलिड लग रही है, ठीक है, जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं यहां तक तो ये बात वैलिड लग रही है कि नहीं यार इट इज बीइंग फॉलोड, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि लिथियम के कैरेक्टरिस्टिक सोडियम से मैच कर रहे हैं, सोडियम के पोटासियम से कर रहे हैं, तो इसलिए ये सक्सेसफुल तो था। ऐसे बेरिलियम के मैग्नीशियम से, देन कैल्शियम से, ठीक है, और ये भी मैच कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई इस लॉ में। नाउ आई एम कमिंग फॉर द लिमिटेशंस। प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये यहां तक जो है अरेंज कर पाया था, लेकिन पहली बात तो ये हो गई कि ये लॉ वैसे ही खत्म हो गया जब जो है यहां पर नोबल गैसेस आ गई। तो नोबल गैसेस के आने के साथ ही जो है अब यस यू नीड टू काउंट लिथियम आल्सो, ठीक है। तो अब सुन लीजिए, तो पहली लिमिटेशन ये थी कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज नॉट वैलिड, ठीक है। पहली बात तो ये होगी क्योंकि अब जो है एट्थ एलिमेंट फर्स्ट से नहीं मैच कर रहा था, नाइन्थ एलिमेंट फर्स्ट से मैच कर रहा था। इज इट ओके? आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, कैल्शियम के बाद, क्योंकि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा है और आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी थोड़ा अंदाजा है, दैट इज कि कैल्शियम के बाद आप जानते हैं कि आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना, ये वाली जो लाइन है वो आती है। तो इसलिए जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है मैच नहीं करती है। तो जो हमारे इन दो लाइनों के बाद जो है 18 एलिमेंट्स के बाद रेपिटेशन होनी थी, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं वो, आप सीरीज जानते हैं ना, 2, 8, 8, 18। तो इसलिए जो है इन दो तक तो 8 वैलिड था, लेकिन इसके बाद जो है 18 एलिमेंट्स आने हैं इस लाइन में, ठीक है। तो इसलिए भी जो है जैसे ही ये हुआ तो आफ्टर कैल्शियम दिस लॉ वॉज नॉट फॉलोड, इज इट ओके? सो दो चीजें आ गई कि दिस लॉ वॉज डिस्कवर, हाँ मैं बता रहा हूं, आप लिखिए कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइन्थ एलिमेंट मैच्ड विद द फर्स्ट, सो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स गॉट इनवैलिड। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात दैट इज के आफ्टर कैल्शियम दिस लॉ इज नॉट वैलिड, क्योंकि मैंने कहा कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी नाइन्थ एलिमेंट मैच्ड विद द फर्स्ट, ठीक है, तो इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज नो लॉन्गर वैलिड। और दूसरी बात कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद जो है, क्योंकि स्कैंडियम आता है 21 एटॉमिक नंबर, उसकी प्रॉपर्टी जो है एल्यूमिनियम से नहीं मैच करती है। तो इसलिए जो है, और वैसे ही अगले वाले की टाइटेनियम की जो है सिलिकॉन से नहीं मैच करती है, मतलब इसके नीचे नहीं आते हैं, तो इसलिए जो है ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है। तो दो बड़ी बड़ी कमियां आ गई कि इतने से ही नंबर के लिए एप्लीकेबल है और नोबल गैसेस के आते ही जो है ये डिस्कार्ड हो गया। दीज आर नोबल गैसेस। आई होप आपको मेरी बात जो है समझ में आ गई। इज इट ओके? 288 वाला मैंने कहा था ना, आप लोअर क्लासेस में कैसे पढ़ते थे कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 18, तो दैट मींस वो 288, मतलब दो के बाद आठ आएंगे एक लाइन में, पहले में तो हाइड्रोजन और हीलियम आ गया ना, फिर ये आठ आ गए, फिर अगले आठ आ गए, अगले वाले में 18 आने। वो बात जो है मैं आपको जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल पे आऊंगा ना तब बताऊंगा, ये तो ओल्ड वाले की बात हो रही है ना अभी जो है, ठीक है ना, तब तक तो कई एलिमेंट्स डिस्कवर्ड ही नहीं थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब द नेक्स्ट वन इज लोदर मेयर्स कर्व्स। इस बंदे ने जो है जो क्लासिफिकेशन की वो की ग्राफ बना के, ठीक है ना? आप सुन लें जस्ट एक मिनट। तो इसने जो है जो ग्राफ बनाया वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में बनाया, ठीक है? सुन लीजिए, ही प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो गया? सुन लीजिए, तो जो एटॉमिक वॉल्यूम हो गया ना, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन डेंसिटी। अगर हम ग्राम्स पर एमएल में ले लेते हैं तो आपका एमएल में वॉल्यूम आ जाएगा, सही बात है ना? मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो आप, जैसे सपोज सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 है। सपोज डेंसिटी कितनी है? सुन लीजिए, डेंसिटी है 1.2, तो 23 अपॉन 1.2 जो भी आंसर आएगा वो जो है वॉल्यूम इन एमएल आ जाएगा। सिमरन जी, आई होप आपको बात जो है समझ में आ गई। मैंने कहा कि उसने ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। एटॉमिक मास हम जानते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम के लिए हमें एटॉमिक मास को डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। और हमें मास किसका लेना है? 1 मोल का लेना है, जो ग्राम एटॉमिक मास होता है। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इज इट ओके? जो नए हैं वो एटॉमिक मास लिख लीजिए, जो पुराने हैं उनको हमने ग्राम वाली टर्म कराई हुई है, सो यू कैन राइट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन डेंसिटी। अगेन, अगर आपको ये नहीं भी आएगा तो नहीं भी आता होगा तो भी जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब सुन लीजिए, बंदे ने किया क्या? उसने जो है उसने यहां पर लिया एटॉमिक वॉल्यूम, और इधर लिया उसने एटॉमिक मास, ठीक है? सुनते जाइए। और फिर उसने जो है कुछ इस तरह से जो है बनाया ग्राफ, किस तरह से? इस तरह का ग्राफ बना। अब इस ग्राफ में क्या था, ठीक है? अलग अलग एलिमेंट्स का था, लेकिन इसकी ग्राफ के मैं मेन फीचर्स आपको बता देता हूं। आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोदर मेयर्स कर्व्स, ठीक है? तो पहला है ये, सुन लीजिए, ये एक एलिमेंट का नहीं है, पूरे पीरियोडिक टेबल का है। पहले आप मेरी बात सुन लें। अब क्या है, देखिए, आप देखते भी जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे। देखो, यहां पर जब इसने ग्राफ बनाया तो लिथियम यहां पर था, सोडियम यहां पर था, पोटाशियम यहां पर था, रूबीडियम इधर था और सीजियम यहां था। तो आप पहला पॉइंट लिखिए,
अपनी कॉपी में आप लिखिए, दैट इज आप लिखें द एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड द पीक ऑफ द कर्व. ठीक है, एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड द पीक ऑफ द कर्व, सबसे हाइट पे जो थे वो एल्कली मेटल थे. ये सीएस है, ये सीजियम है, ये एस है. ठीक है, तो सुन लें, अब इसका पीक ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है. मैंने कहा एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड पीक ऑफ द कर्व, अब मैं बता रहा हूं कि पीक को ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है. देखिए, पीक को ऑक्यूपाई करने का मतलब ये है कि ये सबसे लाइटेस्ट मेटल्स हैं. मतलब अगर इनका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे कम हुआ तो ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट्स हो गए. इज इट ओके? आप सुनते जाएं. आप तो ऐसे ही यहां पर आप देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. आप में से जितने लोग पीरियोडिक टेबल से वाकिफ हैं, आपको पता है कि ये ए ग्रुप में आते हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं सारे. इज इट ओके? नहीं, आई एम नॉट पॉज्ड, स्ट्रीमिंग अच्छी जा रही है अभी. हो सकता है आप में ये हो रहा हो. सुनिए सुनिए सुनिए, अब नोट कीजिए, दूसरा पॉइंट नोट कीजिए. आप लिखें द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. स्नेहा जी, इधर से स्ट्रीमिंग बिल्कुल सही जा रही है. ठीक है, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद योर नेटवर्क, आई एम सॉरी फॉर दैट. ठीक है, अब सुनिए, नहीं देखो, लाइट, हर हर कोई लाइट मेटल जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो करेगा, ये हमने कभी नहीं कहा. सिर्फ हमने कहा कि लाइट मेटल्स फॉलो करते हैं हैवियर में जो है, ऐसा नहीं होगा. लेकिन ये भी हमने नहीं कहा कि जो भी लाइट होगा वो फॉलो करेगा. ठीक है, स्टेटमेंट में फर्क है. अब सुन लीजिए आप, दैट इज दूसरा पॉइंट ये है कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाइड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व. मतलब डिसेंडिंग, उतरता हुआ, ऐसे पीक से उतरते हुए. तो आप लिख लीजिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाइड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व. इज इट ओके? अब सुन लीजिए नेक्स्ट थिंग, दैट इज यहां पर आप देखें, इधर आ गया फ्लोरीन, इधर आ गया क्लोरीन और इधर आ गया ब्रोमीन, ऐसे. इज इट ओके? आप नोट कर लें यहां पर, दैट इज आप लिखें, आप लिखिए दैट इज के द हेलोजन्स ऑक्यूपाइड, हेलोजन्स ऑक्यूपाइड असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व. हेलोजन्स ऑक्यूपाइड, ये सुन लीजिए, यहां पर क्लोरीन इधर ही है, क्लोरीन, ये ब्रोमीन आ गया एंड ये आयोडीन आ गया. सो हेलोजन्स ऑक्यूपाइड असेंडिंग पार्ट, मतलब जो असेंड करता हुआ पार्ट था उसी में हमें जो है हेलोजन मिली है. इज इट ओके? ठीक है. अच्छा एक मिनट, हमारा फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा ना, फ्लोरीन यहां पे आएगा. ठीक है, सॉरी. सो हैलोजन्स वर प्रेजेंट एट द लिथियम के नीचे बेरिलियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. ये आ गया फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये सबसे पहला आ गया लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. सही है बात? ठीक है. तो अब सुने आप, अगला पॉइंट आप लिखें कि मोस्ट ऑफ द, आप लिखें मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, मतलब जैसे मैं कुछ को यहां पर कोट कर दूं. ठीक है, कि जैसे आयरन है इधर है, जो हैवी होगा वो बॉटम में होगा. इज इट ओके? ठीक है, जैसे टिन है. ठीक है, सो टिन जो है यहां पर है. ठीक है,
अच्छा, तो कॉपर जो है, कॉपर यहां पर है, तो जो नोन है थोड़े से मैं उनको लिख दूं, तो आप लिख लें, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ द कर्व्स, क्योंकि जो हैवी होंगे वो जो है बॉटम पे होंगे. इज इट ओके? ठीक है. तो मैंने कहा द मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द कर्व्स. ठीक है, तो इसकी जो है कुछ सक्सेसेस थी. ठीक है, जैसे अब एटॉमिक वॉल्यूम की बात हो गई. ठीक है, अब एटॉमिक वॉल्यूम की बात हो गई, वैसे ही जो है जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है इसी तरह से वेरी कर रही थी. इज इट ओके? सो आप ये नोट कर लीजिए. ठीक है, लेकिन अगेन इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, दैट वाज कि ये जो है, सात्विक जी अब मुझे सेकंड पॉइंट याद नहीं है, आप दोबारा देख लेना फिर नोट कर लेना. ठीक है, तो अब सुने, हाँ मैं तभी कह रहा हूं, मैंने कहा सेकंड पॉइंट कर्व का जो मैंने कहा था उसमें ये था कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स वर प्रेजेंट एट डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग पार्ट में. ठीक है, मैंने कहा क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, तो आपके पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेना. ठीक है, या तो फिर जल्दी जल्दी नोट कर लिया करो जब मैं लिखवाता हूँ. ठीक है, तो कोई बात नहीं, शाम को अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. वो बॉटम में ही थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो थे वो बॉटम पे थे, असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब ये रेंज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है, इधर से इधर तक ऐसे. इज इट ओके? हेलोजन्स जो है वो असेंडिंग पार्ट में थी, ऊपर चढ़ते हुए, हेलोजन्स वर प्रेजेंट एट द असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, सुन लीजिए. तो अब जो है द नेक्स्ट वन इज, जो एक बड़ा खतरनाक सीजियम है ये. ठीक है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ठीक है, सुन लें. ठीक है, ड्रॉबैक्स रौनक जी ऐसा है कि आप सारे पीरियोडिक टेबल को जो है यू कैन नॉट डिफाइन दैट इन द फॉर्म ऑफ कर्व ओनली. ठीक है भाई, हमने जो क्लासिफिकेशन की थी वो इजी करने के लिए की थी ना, लेकिन इसमें तो हम फिर से फंस गए, अगेन हम ग्राफ बना रहे हैं. ठीक है, तो ग्राफ जो है वो सक्सेसफुल वे नहीं है क्लासिफाई करने का. ठीक है, तो इसलिए जो है इसकी लिमिटेशन ये है. ठीक है, अब सुनिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने कहा कि अब जो है, अब बहुत जरूरी हम पीरियोडिक टेबल की बात करने वाले हैं. ठीक है, तो अब यहां पर इससे पहले कि मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, इसके बारे में कुछ कहूं, सुन लीजिए. ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, डिलीटेड टॉपिक पढ़ाएंगे, अगर वो कंपिटिटिव एग्जाम में आएंगे आपके, मतलब स्कूल में नहीं आए कंपटीशन में आए तो हम पढ़ाएंगे, अगर कंपटीशन में नहीं आए स्कूल में आए तो हम पढ़ाएंगे, अगर दोनों में आए तो हम पढ़ाएंगे, और अगर दोनों में नहीं आए देन वी विल डिस्कस विद यू.
कि इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई फायदा नहीं है फिर। लेकिन अगर जो कम्पिटिटिव एग्जाम है किसी एक में भी वो आएंगे तो हम पढ़ाएंगे, इज इट ओके? तो चिंता मत कीजिए, ठीक है? तो अब सुनिए मेरी बात। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करता हूं, सुन लीजिएगा। स्क्रीन शेयर करके जो है, हाँ हाँ संशरा जी बोलिए, डाउट क्या है? व्हाट आर एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सो? देखिए संशरा जी, ये टॉपिक ही पीरियोडिक टेबल है। जैसे ही मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आऊंगा ना, मैं ये सारी बातें डिस्कस कर लूंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों है, बिल्कुल खुल के बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम क्लासिफिकेशन को मेनली पढ़ेंगे ही पीरियोडिक टेबल में, इज इट ओके? तो इसलिए तब तक जो है हम उसको रख रहे हैं लिमिटेड। अभी तो आज तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इज इट ओके? अच्छा अभी सुन लीजिए आप मेरी बात। मैं आपके साथ जो है, ठीक है, हाँ दिस इज लेसन 3, तो आज अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। मेरा काम थोड़ा कम रहेगा, आप नोट साथ में करते जाना। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो आपको मेरी वॉइस सुनाई देती है? ओके, तो मुझे एक मिनट दीजिए आप ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं, फिर जो है मैं आप पे। अच्छा मैं बता दूं, हम जो है अभी करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना? और इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को जो है मैं पहले आपको जो है इसका मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ लिखवा लेता हूं पहले जो है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिक लॉ क्या है कि इसने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया है उसका फंडामेंटल क्या है। सो दैट इज the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights. ठीक है, मतलब इसने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में तो जो प्रॉपर्टीज हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो है रिपीट होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब वर्ड किसको बोला जाता है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक रेगुलर पीरियड के बाद जो है रिपीट होती है। मतलब जैसे ऐसे ऐसे हम चले तो रेगुलर पीरियड के बाद जो है ये रिपीट होगी। अब समझ रहे मेरी बात? लेफ्ट टू राइट जैसे हम चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जो है तो जो है प्रॉपर्टीज जो है रिपीट हो रही है, ठीक है? और रेगुलर इंटरवल के बाद जैसे घड़ी होती है ना, रेगुलर पीरियड के बाद 12 बजे के बाद फिर से एक बजता है, तो वैसे ही यहाँ लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन एंड देन नियोन, और फिर जो है सोडियम आ गया। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच करती है, ठीक है? हाँ ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था, ठीक है? तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा आपको आपने क्या करना है, ठीक है? एक मिनट दीजिए मुझे पहले, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी फर्स्ट सर्च कि मुझे आपको क्या दिखाना है स्क्रीन पे। एक मिनट दीजिएगा मुझे। So,
अब आप मेरी बात सुनिए, अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपको कि नाउ व्हाट यू हैव टू डू। ये अभी आपकी स्क्रीन पर आप देखें, अभी आपकी स्क्रीन पर जो है आप कुछ देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है अपना मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। क्या आप देख पा रहे हैं? मॉडर्न वर्जन ऑफ मेंडलीव शॉर्ट पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पर कि ग्रुप्स जो है वो ऊपर रोमन लेटर्स में जो है जैसे लिखे हुए 0, 1, 2, 3, 4 लेफ्ट टू राइट, जो 8 इसने ग्रुप्स बनाए हैं और पीरियड्स जो है 7, ठीक है। और उसके बाद जो है नीचे आप देख रहे हैं यहां पर इट इज लेंथेनाइड सीरीज एंड देन एक्टिनाइड सीरीज। कैन यू सी दिस? ठीक है, ये वाले जो है ये लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड है और ये सारा पीरियडिक टेबल है। इस पीरियडिक टेबल के बारे में मैं एक बात बता दूं आपको, दैट इज कि यहां पर जो है आप देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक, कि इन 1871 मेंडलीव पब्लिश्ड ए शॉर्ट पीरियडिक टेबल विच कंसिस्टेड ऑफ ओनली 63 एलिमेंट्स। इनर्ट गैसेस आर नॉट ओनली इंक्लूडेड, ठीक है, As these are not discovered at that time, मतलब inert gases उस time पे discover नहीं थी, 63 elements थे और 7 horizontal rows थी और 8 vertical columns थे, ठीक है, और कुछ vacant sites जो है छोड़ी गई थी, ठीक है ना, और later on जो है जब वो elements discover हुए तो उनकी properties वही आई जो कि Mendeleev ने periodic मतलब predict करके दी थी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप यहां से नोट करना स्टार्ट कीजिए। ऊपर देखिए आप मेंडलीव पीरियडिक लॉ भी है, ठीक है, उससे नीचे जो भी लिखा हुआ है पहले आप अपने नोट्स में उनको लिखिए, ठीक है, जल्दी से जो है पहले उसको नोट कीजिए जो कि लिखा हुआ है यहां। इज इट ओके? ये 3 लाइंस जो है, जो 3 पॉइंट्स है, इनको जो है आप एक बार लिखिए, नोट डाउन कीजिए। ओके बेटा जी, ये बताइए क्या आपने नोट किया? क्यों नहीं स्क्रीन नहीं शेयर हुई थी? अच्छा, इट वेंट ऑफ, ठीक है, एक मिनट। तो मैं फिर से शेयर कर रहा हूं आपके साथ जो है स्क्रीन को। Just give me 1 minute. आप अब देखिए,
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अच्छा अभी सुनिए। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप, ठीक है ना। अभी पता क्या करते हैं, सुनिए। अब ये जो अपना मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल है, आप जानते हैं कि आपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं जो मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल है, आज ये आपका होमवर्क है, सुन लीजिए भैया, ये आपका होमवर्क है। मैं अभी जो है बिल्कुल अभी, जिसको कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर जो है आपके ग्रुप में जो है एक बुक जो कि बड़ी अच्छी किताब मानी जाती है, जेडी ली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जेडी ली एंड इंडियन ऑथर, उसमें सुदर्शन गुहा है साथ में, तो मैं उस बुक का ये टॉपिक शेयर कर रहा हूं। और आज आपका काम क्या है, सुन लीजिए, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि आपने उस बुक में जो, क्योंकि वो फिनिक्स के अंडर ही हमने जो है प्रिंट की करके दी हुई थी बच्चों को, ठीक है, तो पेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, मतलब पेज नंबर 5 तक आपने पूरा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तक जो है आज पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने। क्या आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं अभी 5 मिनट के अंदर जो है उसको शेयर कर रहा हूं, ठीक है, और जो है आपने उसके जो है नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कल जो है फिर मैं उससे आगे मोजलेज वर्क से स्टार्ट करूंगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मैं स्टार्ट करूंगा। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय, अभी मेरी अगली क्लास है।